जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, लाडलो लाडलियो। आ जाओ, देखिए क्लास की थोड़ा सा डिले हो गई क्योंकि पिछली वाली थोड़ी सी खराब हो गई स्ट्रीम। चलो आ जाओ, देखिए लाडलो जल्दी से। अब करते हैं क्लास की शुरुआत। आज आपको ढूंढने लुप्त पद, लुप्त पदों की बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप उत्तराखंड से, अच्छी बात है, ठीक है। जितने भी बच्चे ऐसे जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लुप्त पदों के क्वेश्चन आते हैं उनमें से, देखते हैं किसका दिमाग कितना चलता है। लाडलो ध्यान रखना, कल सुबह 6 बजे जो करंट जीके की क्लास 7 बजे होती थी, अब वो सुबह 6 AM पर होगी आपकी, सुबह 6 AM पर, ठीक है। सुबह 6 बजे होगी, और वो भी किस रूप में, स्टैटिक जीके के रूप में। करंट जीके की क्लास अब बंद कर दी गई, क्योंकि इससे आगे ऐसे ऐसे जीडी के छात्रों की करंट जीके की क्लास काम में आएगी नहीं, इसीलिए बंद कर दिया हमने, ठीक है लाडलो। और एक केवल संडे संडे को करेंगे, इसके बाद में 9 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, 3 PM पर मैथ की, और अभी 8 PM पर रीजनिंग की। आज थोड़ी सी डिले है, रीजनिंग के क्लास का टाइम लाड ले 8 PM है। अभी थोड़ी सी स्ट्रीम एक खराब हो गई थी, उसकी वजह से हमको थोड़ा डिले करना पड़ा, बाकी टाइम 8 बजे का है, ठीक है। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री राम। टेटू पर वीडियो बनाई बेटा, टेटू पर मैंने बना दिया है। हाँ सर, स्टैटिक जीके की क्लास लगाओ, हाँ सुबह 6 बजे से, ध्यान रखना 2 घंटे की क्लास होगी, सुबह 6 से 7, 7 से 8, 2 घंटे की क्लास होगी लाड लो, हर रोज 111 क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि करंट जीके की क्लास अब ऐसे जीडी के छात्रों के किसी काम की नहीं है, इससे आगे की, तो हर संडे को हम करंट जीके क्लास करेंगे। चलिए करें शुरुआत। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लीजिए भाई, बताइए आंसर। बताओ भाई क्या आएगा आंसर। क्या आएगा आंसर बताओ, देखिए लाड लो। जल्दी से बताओ, देखिए क्या आएगा आंसर। सर आज से अब करंट जीके के पेपर नहीं, पेपर में हाँ बहुत मुश्किल है। कोई एक आधा कोई एडवांस करंट जीके का अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आ सकता है, बाकी नहीं आएगा लाड लो। मान लो कोई पहले से कोई डिसाइड हुआ हुआ, चलिए बताइए, देखिए देखते हैं किसमें कितना दिमाग है। नहीं, दिमाग तो तुम में सब में है, लेकिन चलता कहां है वो देखते हैं। जल्दी बताओ, देखिए लाड लो। बताओ बताओ लाड लो बताओ, बहुत सारे गलत आंसर आ रहे हैं। 25 जो आंसर दे रहे हैं, कुछ 10 आंसर दे रहे हैं, 25 वाले जल्दी से लिखो, देखे जल्दी आंसर क्या आएगा, अच्छे से सोच लो एक बार, पलट गए हैं सारे। देखिए 10 आंसर वाले कौन कौन है प्राणी, जल्दी लिखो देखे। अरे इतना टाइम ना भाई, थोड़ा फास्ट लिखो, इतना समय लोगे क्या, अभी तो पहला क्वेश्चन है, जल्दी करो। देखो जिनका 10 है उनका बिल्कुल सही है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का भाई, 35 और 14 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 21 गुना 2 42, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का गुना 2, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 18 गुना 2 36, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, गुना 2। तो 10 जिसका आंसर आया उसका बिल्कुल सही है, बाकी सबका बेड़ा गर्क हो गया भाई, गई भैंस पानी में। चलो अगला क्वेश्चन है, बताओ देखिए जल्दी से। जल्दी लाड लो, जल्दी लाड लो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, तो 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए।
कुछ समझ नहीं आता किस बात का गुरूर है, बाप ओबामा या तो करीना कपूर है, जल्दी बताओ दे लाड़ दो, दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा सा अपनी वो क्या बोलते हैं वो बढ़ाओ भाई क्षमता बढ़ाओ तुम्हारे की एडवांस में जाके। ठीक है जल्दी जल्दी आंसर थोड़े से फास्ट फास्ट दो यार। देखो इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भाई, इन दोनों का गुणा करेंगे तो, अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 72, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 36, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 20, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 720, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 120, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6, अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या जाएगा लाड लो 700 बार 6 72, कितना जाएगा लाड लो 720। तो जिस जिसका 720 आया उसका बिल्कुल सही आंसर हो गया, बाकी सबका गलत है भाई। चलिए जी अगले क्वेश्चन में बताओ देखें, बताओ देखे लाड लो जल्दी से। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ लाड लो जल्दी जल्दी। आई एम राइट सर, हाँ जी बहुत क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कब तक सही बताता है। चलिए देखते हैं कौन कब तक सही बताता है, एक क्वेश्चन से नहीं होगा भाई, क्वेश्चन बहुत सारे हैं अभी। हाँ बहुत बढ़िया, आंसर आने शुरू हो गए हैं, जल्दी जल्दी बताओ देखे लाड लो। जल्दी 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 फास्ट, कम ऑन मेक इट फास्ट भाई। अरे क्या हो भाई, होश उठ गए क्या हैं? होश न खो दे कोई जोश में देखने वाला, खो दिया लग रहा। देखो इसका वर्ग कर लो कितना आएगा, इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा, दोनों के वर्ग को जोड़ दो कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 34 में जाकर अब 16 माइनस कर देंगे, इसका वर्ग माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा ना। ठीक है इसका वर्ग कितना हो जाएगा 49, इसका 25, इन दोनों को जोड़ दीजिए 49 और 25 माइनस कर दीजिए x का वर्ग, बराबर आ जाएगा आपका 65। उसी प्रकार इन दोनों का वर्ग जोड़ दीजिए 81 प्लस 36 माइनस 9 कितना जाएगा 108। किस किस का आंसर आया 108? अरे किस किस का आंसर आया भाई 108? किसी का आया प्राणियों? हाँ जी आया तो है, कुछों का आया है, बताओ देखें। बताओ भाई चलिए ये बताओ देखिए, चैलेंज आपके लिए भाई 90% फेल वाला चैलेंज है ये, बताओ देखे किसका होता है सही आंसर। आप देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया, बताओ भाई। है किसी में दम है? बताओ भाई साइड वाला कितना है, कौन से साइड वाला नहीं दिख रहा भाई? यहां पर दो है, यहां पर दो है भाई। अरे हो गए, उड़ गई सभी की नींद या अभी भी नींद आ रही है किसी की? गारंटी मेरी आप जो आंसर बता रहे हो पूरा का पूरा गलत है।
ट्यूशन इजी है लेकिन दिमाग नहीं चल रहा तुम्हारा, और इसलिए नहीं चल रहा बेटा क्योंकि मेहनत कर नहीं रहे हो, मेहनत कर नहीं रहे हो। जब मेहनत करोगे आंसर भी आएंगे, लेकिन बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। ऑप्शन अच्छा कि कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और तुम्हारी नींद उड़ जाएगी अब क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन तुम्हारा आंसर ना आ रहा बेटा। चलिए चार बताने वाला की जानकारी के लिए बता दूं, ये आंसर गलत है जो आप दे रहे हैं, ये आंसर गलत है जो आप दे रहे हैं। इसके अलावा बताइए भाई जल्दी से अपना अपना आंसर दीजिए, देखे तो सही कि किसको कितना कहता है, बाकी तुक्के वाले तुक्का भी मार लीजिए, क्या पता आपका तुक्का भी सही हो जाए। अरे बताओ भाई क्या हुआ, देखो इन चारों का योग करो, 2 + 3 + 6 + 8 कितना हो जाएगा 19। ओके जी, इन चारों का योग करो, 4 + 4 + 9 + 2 कितना हो जाएगा भाई 19। यानी इनके पदों का योग, चारों पदों का योग कितना हो रहा है 19, तो इसके भी चारों पदों का योग 12 + 2 + 3 + क्वेश्चन मार्क, तो 12 + 2 कितने हो गए 14, 14 और 3 17, 17 में कितना जोड़े 2 जोड़े ताकि क्या हो जाएगा 19, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 19। उड़ी नींद है, अरे बाबू सोना करते रह जाओगे भाई है, बोलो जुबा केसरी है, कहां जाओगे जुबा से दूर ना जा पाओगे, इसका बताओ देखें। बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी आंसर है, जल्दी बताओ देखिए इसका आंसर। दाने दाने में स्वाद, दाने दाने में है स्वाद भाई, जल्दी जल्दी आंसर बताओ लाडो, जल्दी जल्दी। अभी तक किसी का आंसर आया नहीं है और कुछ का आंसर आ रहा है वो गलत है, ठीक है। आप में से अभी तक 90% लड़के फेल हो गए बिना आंसर दिए, भाई कहां है, कहां से नंबर लाओगे पेपर में, जरा हमको ये तो बताओ अच्छे से, देख ले अच्छे से देख ले। अरे वाह भाई, कर देखे गुणा कर जैसे तूने किया है, कर गुणा कर, हाँ तो ऐसे इसको कर तू गुणा कर देखे कितना आता है, कर भाई गुणा भाग कर, उड़ गए क्या फ्यूज है, नींद नहीं आती है रातों में, ओ ये तो प्रेम छे, एक का भी सही आंसर नहीं है, डूब के मर जाना चाहिए ढकनी में तुम्हारे को, ढकनी तो मिलेगी नहीं इस समय, नाक में डालो वो जुबा केसरी वाला तंबाकू और फिर उसको खा के मर जाओ, फिर सारा जुबा केसरी केसरी बोलते रहोगे तुम। एक्ट एसएससी जीडी की तैयारी करे, किसी को बता मत देना, नहीं तो पकड़ के पीट देगा सुश्री को, पकड़ के पीट देगा, ऐसा क्वेश्चन देगा कि करके बता, क्वेश्चन में नहीं मिस्टेक है तुम्हारी खोपड़ी में मिस्टेक है, क्वेश्चन में है मिस्टेक, देखो देखे इसको इसे गुणा करो कितना आएगा, अरे कितना आएगा 15 + 1 करेंगे कितना जाएगा 16 को 5 से गुणा करो कितने आएंगे, प्लस 1 करेंगे 81 को 5 से गुणा करो 400 और प्लस 1 करेंगे तो कितना जाएगा 406 को 5 से गुणा करो और प्लस 1 करेंगे तो कितना जाएगा 2031, क्या जाएगा
2031 नीचे दिया गया ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। किसी ने दिया आंसर है, क्वेश्चन गलत है, किसी का ससुर का किसी को बता दिया ना, ऐसे जीडी की तैयारी करो, खाक में दाब गए शेर बताएगा, कर कर आंसर करके बता, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ना बेटा खोपड़ी चलना रही है, हैं पूरे दिन वही देख रहे हो, बोलो जुबा केसरी, चला आ जा। अरे ये तो आ गया ना, इसमें आ जाओ भाई, बताओ भाई, बताओ भाई क्या आएगा, देखें कौन कौन बता बता देंगे, जल्दी से बताओ, देखें आज तुम्हारी नींद उड़ा देंगे भाई क्वेश्चन, बताओ भाई क्या आएगा। अरे कहाँ हो भाई, हाँ देखे तो सही कौन आंसर दे रहा सही, ओ हो बेचारे, कौन पूछा रहे इनसे ऐसा क्वेश्चन, अरे क्या हुआ, हाँ जी पढ़ रही है, क्या हुआ भाई, होश उठ गए, देखो 5 और 8 13 13 और 4 17 17 और 1 18 क्या गया, क्या गया 17, समझे, एसएससी जीडी के लिए तुम्हारे लिए भाई खतरा आ गया आंसर 17, लेकिन इस बार ये अच्छी बात है कि 5-4 ऐसे प्राणी है जिनके 17 आ भी गया था, नींद उड़ गई ना उड़ी तो उड़ा देंगे, ये लो अगला क्वेश्चन उड़ा देंगे भाई नींद, बताओ अरे दिखाई दे रहा है या फिर बहाना बनाऊंगी गुरु जी, दिखाई ना दे रहा लिख देंगे बेटा, लेकिन ट्यूशन तुमसे ही करवाएंगे, हाँ फिर बाद में बोल दो मुझे बताओ गुरु जी दिखाई नहीं दे रहा था, ये ले यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, इधर 125 लिखा हुआ बेटा, छोड़ेंगे ना, यहाँ 8 यहाँ 9 यहाँ पर 7 यहाँ पर 513 ठीक है, यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, यहां पर क्वेश्चन मार्क, यहां पर 6 और 537 लिखा हुआ है, बताओ आंसर क्या आएगा, अरे बताओ क्या आएगा, आज तुम्हारी नींद उड़ा देंगे अच्छे से, ठीक है ससरी क्या बड़े दिनों से बोलो गुरु जी, अरे हम ऐसे जीडी की तैयारी कर रहे हैं बेटा, बटेऊ को पता चल गया ना आंसर आया ना, देख ना कोई छोरी ना देख, ठीक है रंड में फिरोगे, अरे तुम्हारे साथ और नौकरी लग गए ना अगले दिन उसको लड़की वाला देखने आएगा, वो जाएगा ऐसे डैडी के कटवट मराने मेरे तरह से बाल शेट करके, अप टू डेट तुम्हें जो मुंह लटका गए देखो करो क्या हुआ, तुम्हारे सामने आके बोले करो आज पापा को एक फोटो भेजी है यार वो देख रहा हूँ ठीक है कि नहीं है, ऐसे प्राणी बहुत कम जिंदगी हो गई है, बताओ भाई हाँ, और देखना जो नौकरी लग जाएगा ना तुम्हारा को बताएगा कि यार देख यार दो लड़कियों की फोटो आई है बता कौन सी सही है यार, हाँ
तू बोलेगा यार दोनों ही सही है पर मेरी नौकरी ना लगी। देख ले क्या हुआ, अब इन दोनों को गुणा करो कितना हो गया, छचोक 24 प्लस 1 करो कितने हो गए 25, और 25 को इस 5 से गुणा कर दो, ठीक है तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करो 8 7 प्लस 1 करोगे 57। अब 57 को आप किससे गुणा कर दो, 9 से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा 513 आ जाएगा। इस दोनों को गुणा करो कितना आया बेटा 66 प्लस 1 करोगे 66 आ गया ना, प्लस 1 करोगे कितना आ जाएगा 67। अब 67 का भाग लगा लो 537 में, 6 बार चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, कितनी बार 8 बार, हाँ 8 बार चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा 8 बार, 8 7 हुआ ना 56, 8 बार चला जाएगा। किस किस के आया बताओ, देखिए ईमानदारी से 8 हाँ जी, ऐसे जीडी की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है, इनके आंसर आ नहीं रहे, बस समस्या ये है कि इनको पता नहीं चल रहा है कि आंसर देख क्या, आज उड़ी है नींद है, फंस गया ऊंट पहाड़ी के नीचे, चल आ जा भाई बताओ। देखिए फिर बोलोगे गुरु जी दिखाई ना दे रहा, बेटा दिखा देंगे हम, लेकिन आज तुम्हारे होश उड़ाएंगे हम, यहां पर 11 है, यहां पर 3 है, और यहां पर 49 है, यहां पर बेटा 5 है, यहां पर 9 है यानी 19 है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है, 7 है, 13 है और 100 है, आंसर तुम्हारे को देना ही पड़ेगा, बताओ भाई बताओ जी। सिलेक्शन होने के बाद मैं आपको जरूर मिलूंगा, ऑफलाइन कोचिंग में आना तो बेटा इस नंबर पे कॉल कर लेना 9521061100, ये एकेडमी का हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे कॉल कर लेना अगर आप एकेडमी में आना चाहते हो लाड़ दो। चलिए बताइए भाई, अरे आया किसी का, अरे कोई है यहां पे सुरा है, कोई है सूरवीर जो बता सकता है इसका आंसर, ना सब के सब ठंडा पड़ गए, सारे ठंडे पड़ गए, सांभर से ज्यादा दूर नहीं थोड़ी सी दूर है, आहा सारे ठंडे पड़ गए, हाँ अंकल बेटे पास में था कुटाई कर दे, उनको बोला दो खींच खींच के थपेट मारे ताकि दिमाग चले, पोल खुल जाए, देखो इन दोनों का योग करो कितना होगा 14/2 करो, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2/2 करेंगे कितना जाएगा, और 7 का वर्ग कितना होता बेटा 49, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 24, और 24 का आधा 12, और 12 का वर्ग 144, इन दोनों का योग करो 20, और 20 का आधा और 10 का वर्ग क्या होगा आंसर 144। एसएससी जीडी वालों बताओ भाई, ये बताओ देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेरे इसका आंसर आ गया, देखते हैं आप में से किसका आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन तुम्हारे होश उड़ा देगा ये, ठीक है तुम्हारे होश उड़ा देगा, बताओ देखे रीचे करके बताना दो बार, गुरुजी मेरा सही है, ठीक है बेटा शाबाश, जी उतार है तुम बता दे भाई, देखे हाँ
अरे क्या हुआ, क्या हुआ तेरा वादा। देखो ऊपर वाली संख्या का वर्ग माइनस ये संख्या कर दो, तीन का वर्ग कितना होता बेटा? नौ, नौ में से तीन गए से आ गया, आठ का वर्ग 64 में से आठ माइनस कर देंगे, दस का वर्ग 100 में से दस माइनस कर देंगे तो, दो का वर्ग चार में से दो माइनस कर देंगे तो, पांच का वर्ग 25 में से पांच माइनस कर देंगे तो, एक का वर्ग एक में से एक माइनस कर देंगे तो, कहने का मतलब अपना आंसर क्या आ गया? पांच आ गया। फंस गए बहुत सारे नू। चलिए जी आ जाइए बेटा, ये मत बोलना दिखाई ना दे रहा, नहीं हम दिखाएंगे लेकिन आज तुम्हारे होश उड़ाएंगे बेटा। यहाँ पे एक लिखा हुआ है, यहाँ पे 216, यहाँ पे 343 है, यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है 8 और यहाँ पर है 27, यहाँ पर लिखा हुआ है 35। क्या लिखा हुआ है? 35 लिखा हुआ है बेटा। अब बताओ देखे, बताओ भाई, बताओ भाई। अरे पीडीएफ डाल देंगे ग्रुप में, चलिए आंसर बता देंगे जल्दी से क्या आएगा। चलिए देखते हैं किस किसका होता है सही किसका गलत। अलर्ट, ये तो इजी क्वेश्चन है भाई। हाँ इस बार तो सबने छक्के मार दिए हैं। ये क्या है? ए का क्यूब, ये दो का क्यूब, ये तीन का क्यूब, ये इधर चार का क्यूब, पांच का क्यूब, छह का क्यूब, सात का, आठ का, इधर क्या जाएगा? नौ का क्यूब। नौ का क्यूब कितना होता है भाई? 729 होता है। चलिए आ जाइए भाई, इसका बताइए देखें। बताओ भाई जल्दी 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 भाई जल्दी। जल्दी बताओ भाई जल्दी 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 लाड दो जल्दी। जल्दी बताओ देखिए। कर लिया सभी ने? YouTube वालों ने सबने आंसर दे दिया भाई। दवा कैसे? देखो गुना आठ गुना दो कितना हो गया? प्लस एक रहे कितना हो गया? 17 को 8 से गुना प्लस एक करें कितना हो जाएगा? 137 को 8 से गुना करके प्लस एक करें कितना हो जाएगा? 1097 आंसर आ जाएगा भाई। क्या आपका सही है? हाँ जी। चलिए जी इसका बताइए देंगे भाई, बताओ देंगे भाई किस किसका होता देंगे सही आंसर। तो पन लेके ना इसका बताओ देखे, बताओ भाई देखे। ये चैलेंजिंग वाला क्वेश्चन है, चैलेंज है तुम्हारे को। किसको बोलो करे भाई? सौरभ यादव को बोलो को। कर दिया भाई, कर दिया कर दिया कर दिया जी, कर दिया कर दिया जी, कर दिया कर दिया प्रभु कर दिया। चलिए जी भाई बताइए क्या आएगा जल्दी से भाई।
जल्दी से बताओ देखे लाड लो जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी बताओ भाई। बताओ भाई किस किस के लेके होश उड़ते हैं? पहला पक्का 100% भाई देखे। अरे दिखाओ अपना दमखम। बताओ भाई अपना दमखम दिखाओ देखें। खोपड़ी को चलाओ लाड लो, नहीं तो खोपड़ी को तरबूज में मार लो ऊपर, और तरबूज अभी खेत में होगा उसको फंसा लो खोपड़ी के अंदर। ठीक है इतने से क्वेश्चन ना होते। करो इन दोनों को गुणा और करो इन दोनों को गुणा, ऊपर वाले को गुणा करोगे कितना आएगा? 100। इनको गुणा करोगे 100, इनको गुणा करोगे 54। इसमें से 54 माइनस करो देखिए कितना आता है, कितना आ जाएगा 78। इन दोनों को गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 140। इन दोनों को गुणा करेंगे 7 8 माइनस करेंगे 56, कितना बच जाएगा 84। आंसर क्या हो जाएगा? 84। अरे बावली पूछो इसका बताओ देखिए, सोच समझ के आंसर बताना। ऑप्शन 12 7 -12 और 9, सोच समझ के बताना क्योंकि गारंटी है मेरी तुम गलत बताओगे। आता सबको है लेकिन बताओगे सारे के सारे गलत, और यही गलती तुम पेपर में करते हो। देख लेना कि क्या गलती करते हो तुम पेपर में, गारंटी है मेरी। देखना ना आंसर देख के देख लो। सर आज मैं तीरा लेके आया हूं, रगड़ दे बेटा उसको, रगड़ दे मतीरे को, आज मैं भी मतीरा खा के आया हूं। हाँ जी देख लेना, बहुत सारे गलत आंसर ठोकेंगे अभी। अरे मेरे को पता भाई, मैं जानता हूं, देख ठोकना शुरू कर दिया। ये आंसर बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे, ये आंसर बता रहे हैं ना, ये वही गलती कर रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। पेपर में भी वही लापरवाही करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, जबकि ये आंसर नहीं है लाड लो। यही गलती करोगे तुम पेपर में, देख लेना SSGDK में, इसमें कोई शक ना है। अभी और ये देखो क्या किया हुआ है, इनका गुना 2 2 4, 4 2 4 3 12, ओके, 3 2 6 और 6 5 30, ओके जी, इनका गुणा कर लो तो 5 1 5, 5 को -1 से गुणा करेंगे तो -5। उसी प्रकार 4 3 12, 12 को -1 से गुणा करेंगे तो -12 आएंगे, ना कि केवल 12। आंसर क्या होगा? सी होगा, जो नंबर 1 बता रहे थे उनका गलत होगा। इसका बताओ देखिए, बताओ भाई। बताओ भाई बताओ क्या होगा आंसर? 1 सेकंड का क्वेश्चन है लेकिन गलत आंसर दोगे गारंटी है मेरी तुम्हारी। तुम सिर्फ मेरिट ही पूछ सकते हो गुरुजी, मेरिट कितनी जाएगी? अरे मेरिट तुम्हारी रेंज से बाहर जाएगी। दो देखिए आंसर, हाँ देना शुरू कर दिया गलत आंसर। थोड़ा गलत आंसर दिया ना सरपंच के पड़ोसी, खोपड़ी पकड़ लेंगे वही। वही खोपड़ी पकड़ कर लेटा देंगे। हाँ दो आंसर, दो आंसर दो देखें। हाँ ये तर वाले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे तेरे, शाबाश। छिहत्तर वाले बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह वाह रे मेरे शेरों। क्षेत्र वाले हाथ खड़ा करो सबसे पहले, क्षेत्र वाले भाई। इन ये जो जिनके क्षेत्र है ना, मैं खुद मानता हूं कि इनसे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई है ना। ठीक है बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत उमदा बेटा, बहुत उमदा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्षेत्र वाले बहुत बढ़िया, क्या बात है बेटा,
सुबह बता देना बेटा पापा को कि सर रात को सर ने बताया, बहुत बढ़िया बहुत गजब आंसर दिया। 53 वाले भी हैं। वाह यार 53 वाले भी है, 68 वाले भी है, तुम्हारे साथ चारों सही है। फिर देखो देखें किसका सही होता है, इन दोनों का गुणा करो, 7×6=42 प्लस इन दोनों को जोड़ दो, 8 और प्लस 4 कितने हो जाएंगे बेटा, कितने हो जाएंगे 54। इन दोनों का गुणा, 8×32 प्लस 12 और प्लस 7 कितना हो जाएगा बेटा, 51 हो रहा है। हाँ 9×5=45 प्लस 9 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 68। अब बेटा 68 वालों का तो सही है, बाकी सबकी गई भैंस पानी के अंदर। गई भैंस पानी में बेटा, पोंछड़ा पकड़ के भैंस के पीछे तुम भी पानी के अंदर। और ध्यान रखना चार पैरों वाला सभी जानवर तैर लेते, तुम ना तैर पाओगे, ठीक है, तुम ना तैर पाओगे क्योंकि हो तो तुम जानवर है, इसमें कोई शक ना है, लेकिन तैर नहीं पाओगे क्योंकि बोलते हैं ना तुम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो साबित कर रहे हैं कि मानव बंदर से बना है। ये बताओ देखे, बताओ भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन उम्मीद यह है कि आप गलत आंसर देंगे, उम्मीद यह है। लाड़ लो ध्यान रखना सुबह 6 AM पर स्टैटिक जीके की 2 घंटे की क्लास होगी, 111 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होंगे उसमें। बताओ भाई इजी है क्वेश्चन लेकिन तुम आंसर गलत होगे, इसकी पूरी पूरी हमें महत्वाकांक्षा है, आकांक्षा है और देना शुरू कर दिया है। 41 साल से दिया है किसी ने, हाँ जी दिया है जी 41 वाले, मतलब इसका मतलब है दिल लगा के पढ़ाई कर तो रहे हो बेटा, मानना पड़ेगा तुम पढ़ाई कर रहे हो। और आपके धन्य भाग जो हमारी क्लास में आप पधारे हैं, देशभक्ति इतनी आपके अंदर है कि आप मतलब आपकी देशभक्ति का लेवल मानना पड़ेगा भाई, देशभक्त तो आप पक्के हैं कि भाई क्लास लेंगे तो फौजी की दूजे की नहीं लेंगे, हैं ये बात मानना पड़ेगा। तो बेटा 45 वाले ये देखना, क्या देखना बेटा, ये देखना इन दोनों को जोड़ेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 27 और 3 30। अरे ये माखी चला रही है भाई, मेहनत चला रहा, कितना हो गया दोनों को जोड़ेंगे तो, क्या क्या टच करती है यार, 30/2 क्या आ जाएगा बेटा, 15 आ जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 62/2 करेंगे तो 31। इन दोनों को जोड़ेंगे बेटा हो जाएंगे 90 और 90/2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। चलिए भाई चलिए बताइए देखिए किस किस के होड़ उठते इस बार है, आ जाओ भाई मैदान में। कोई ये ना बोलना गुरुजी हमको ना दिख रहा तो मेरे से पूछ लेना, लेकिन आंसर तुम्हारे को देना पड़ेगा आज, ऐसे छोड़ेंगे नहीं हम तुमको, आंसर तो देना ही पड़ेगा। बताओ भाई बताओ भाई बताओ देखे जल्दी से कैसे, बताओ भाई कैसे, हाँ माइक मेरे पास, बताओ भाई चारों को जोड़ दे,
बस चारों को जोड़ते से क्या हो जाएगा भाई? अरे बोले कहाँ चाहिए भाई मक्खी? क्या करेंगे? हाँ जोड़ो, कितने आ रहे हैं? चलो चलो बताओ भाई, रुको रुको रुको, बताओ करो टोटल सभी की। जल्दी से करो, हाँ जी, नौ वाले और आठ वाले ज्यादा है, कई आठ बता रहे हैं कई नौ, बताओ कैसे? देखो देखें क्या क्या जोड़ के, चारों को जोड़ो भाई, सात प्लस छत्तीस प्लस सत्ताईस प्लस दो और प्लस बहत्तर, ये क्या इनको ओके जोड़ो, कितने हो गए? कितने हो रहे हैं? बहत्तर हो रहे हैं। इन चारों को जोड़े तो एक सौ, एक सौ बावन हो रहे, तो इनको भी जोड़ो फिर, पचानवे प्लस पंद्रह प्लस चार कितने हो गए? एक सौ, अब एक सौ चौदह में कितना जोड़े ताकि एक सौ तेईस हो जाए? कितना जोड़े? नौ, नौ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक सौ तेईस आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक सौ तेईस आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया अपना? नौ आ गया। किस इसके नौ आया था भाई, बताओ किस चीज के नौ आया था? आओ देखें, डी को लो कर दे, ऐसे क्या लो कर दे भाई, बताओ देखें। गुरुजी मेरा सही था, ये बता दे लाडले, सही था तो अब बता दे, पिछले में ना बता भाई, अब बता दे। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। सर एक को लॉक कर दीजिए, अरे क्या एक को लॉक कर दे? 200 पक्का? पक्का सर, एकदम पक्का भाई? यहां पर एक दो प्राणी बोल रहा है 255 आंसर आएगा, क्या इनका सही है? आप एग्री करते हैं यूट्यूब वाले? अरे मेरे यूट्यूब वाले प्राणी एग्री करते हैं आप? हाँ हाँ, ये तो जानवर है इधर, इनके पर, इनके पर एक ही मत कर देना इनके। देखो इसको हम गुणा करेंगे सात को दो से और प्लस एक कर देंगे, कितना जाएगा? पंद्रह को दो से गुणा करेंगे बेटा, प्लस एक कर देंगे कितना जाएगा? इकतीस को दो से गुणा करेंगे प्लस एक कर देंगे कितना जाएगा? तिरसठ को दो से गुणा करेंगे प्लस एक कर देंगे कितना जाएगा? एक सौ सत्ताईस को दो से गुणा करके प्लस एक करेंगे 255 आंसर आ जाएगा बेटा। के बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, जाने मेरे जाने मन। चलिए भाई ये बताओ, अरे तो बहुत इजी आ गया, ये तो बहुत इजी आ गया। एक का, दो का, तीन का, चार का, पांच का, छह का, ये बताओ। देखे आराम से बताना तसली से, क्योंकि उम्मीद है कि आप में से 90% फेल हो जाएंगे। उम्मीद ये है के 90% फेल हो जाएंगे। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, आज कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद, बताओ भाई।
गली में आ बताओ भाई। हाँ जी, अरे है कोई प्राणी है कोई सूरमा तो इसका सही आंसर दे देगा, मान जाएंगे एसएससी जीडी फाइट कर जाएगा 100%। अगर जो आज इस क्वेश्चन का सही आंसर दे देगा एसएससी जीडी में उसका कोई नंबर रोक नहीं सकता। लेकिन बेटा आंसर भी तगड़ा देना है, तुक्का ना मारना, तुक्के का कुछ ना, तुक्का प्रणाली का अंत हो चुका है। ठीक है, जैसे मुगल कालीन व्यवस्थाएं खत्म होगी, सिंधु कालीन गटर वो जो सभ्यता है वो खत्म होगी, उसी प्रकार तुक्का प्रणाली का सर्वनाश हो चुका है। कुछ ऐसे प्राणी जिनका सही आंसर आ रहा पता नहीं तुक्के से आ रहा है वास्तव में सही आ रहा, बाकी सबका बेड़ा गर्क हो गया है। दम तो दो आंसर देख किसमें कितना दम है, दो आंसर समय तुम्हारे पास में अभी भी एक मिनट का समय देता हूं, देखिए दो आंसर, एक मिनट का समय है, आंसर दो देगा किसका सही होता है। एक मिनट बहुत बड़ा समय होता है, दम है तो दो आंसर, नहीं तो पूछना नहीं दोबारा गुरुजी मेरिट कितनी जाएगी, पूछना नहीं बेटा दोबारा का मेरिट कितनी जाएगी। हाँ डी आंसर बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं कि कोई नहीं, डी आंसर बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं कि गुरुजी कोई नहीं। अरे कोई क्या नहीं, लाड लो लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं, गई भैंस पानी में गुरुजी, आज गई भैंस पानी में, और भैंस के साथ इस बार पांडा भी गया पानी में, है भैंस तो गई गई पांडा और गया। बताओ भाई बताओ, चलो क्वेश्चन दिख रहा है मैं साइड में खड़ा देता हूं, नहीं तो बोलूं गुरुजी आप इधर उधर घूमते रहते हो हमको क्वेश्चन दिखाई नहीं देता। लो 12 सेकंड और है, दे लो जिसका आंसर देना है। हाँ तो डी आंसर देने इनको थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो इनमें ये तो कॉन्फिडेंस है कि इनमें से कोई नहीं, ईमानदारी तो है इनमें, बाकी सबकी तो भैंस गई पाटा भी गया सब कुछ गया पानी में। लो लो हो गई, हो गया भाई तुम्हारा। अब देखो क्या हुआ है, बता दे क्या, बता दीजिए ना। हाँ अरे टाइम हो गया भाई, कईयों के फोन भी तो आ रहे होंगे ना ऊपर से, बता दीजिए ना बाबू क्या कर रहे हैं, बाबू खाना खा लिए क्या, हाँ अरे बाबू ने खाना खाया क्या ना, आज बाबू विराट सर की डांट खा रहा भाई लगातार, एक भी क्वेश्चन का आंसर ना रहा बाबू है। तो बेटा इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, दो का, और इन दोनों के बीच में एक का, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का बेटा, और इन दोनों के बीच में, अरे समझे, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, चार का। और यहां पर अगर मान लो हम ये रखें नो, तो इन दोनों के बीच में यहां क्या जाएगा लाडले अंतर, अगर सुनो यहां पर हम इन दोनों के बीच में चार का अंतर है ना, तो यहां पर हम कितना रखेंगे, सॉरी क्या बोल रहा है, तो यहां पर देख, यहां पर इन दोनों के बीच में हम कितना अंतर रखते हैं, अगर मान लें यहां पर हम रखते हैं नो, तो यहां पर क्या जाएगा चार, और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का जाएगा, तीन का। ठीक है, अगर मान ले ये क्या बोल रहा, क्या 43 का, रुको 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 रुको, इन दोनों के बीच में अंतर चार का, रुको, और अगर हम यहां पर अकेला लाड लो कितना, 21 कैसे, अगर यहां पर हम रखे 21, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का हो जाएगा, 9 का, क्या आ गया 49, आंसर क्या हो जाएगा 49 और 21। बताओ भाई किस चीज का सही हुआ, अरे बताओ भाई किस चीज का सही हुआ, इतना इजी क्वेश्चन था, आवाज इतना इजी क्वेश्चन था, लेकिन तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया बेटा, भैंस के साथ पाडा भी पानी के अंदर। क्लास का टाइमिंग हर रोज रात 8 PM पर
मॉर्निंग में सुबह 7 AM पर लाड़ दो, ध्यान रखना स्टैटिक जीके की बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है 2 घंटे की। ये बताओ देखे क्या आएगा कि सुन दिखे ना दी बात दली उत्ते राधे छेड़े जा, सुन दिखे ना दी बात दली उत्ते राधे छेड़े जा, पी वजरन में है जूंजे तो वाने हसबत लाए, सुन दिखना दी बादली माड़ रोशन देशो की जे दूध दाग लगाई ना, कि जे मारा हंगलू वर ने रण में पीठ दिखाई ना। क्या आएगा? गुना तीन गुना चार गुना पांच है ये। अच्छा जी, गुना तीन। ओके लाडलो, देखो यहां पर आएगा लाडलो, क्या आएगा? 22 को 3 से गुना करोगे 66 को 3 से गुना करोगे 198 को 3 से गुना करोगे तो 594। चलिए जी भाई, ये बताओ देखें, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बात बायल, जल्दी आंसर बताए बायल। बहुत इजी बा, कैसन बा, बहुत इजी बा, वेरी इजी, इट्स वेरी इजी भाई। इन दोनों का जाड़ दीजिए और इनका वर्क कर लीजिए, 10 का और कितना हो जाएगा? राजस्थान का ईशान बोले, ईशान बोले, ईशान मो बोलो जीशन। अच्छा, दोनों का जाड़ दीजिए, 6 हो जाएगा, 6 का और कितना हो जाएगा? लालू जी बोलते ऐसे, इन दोनों का जाड़ दीजिए भाई, 9 हो जाएगा, 9 का वर्क कहां से हो जाएगा भाई? चले जी, मैं छो भाई बनो, यहां पर 27 लिखा हो भाई बनो, और यहां पर पीछे 44 लिखा भाई बनो, भाई बनो, इस बार ऐसे जीडी में सीटें बढ़ानी चाहिए कि नहीं? अरे बढ़ानी चाहिए कि नहीं? गए सर, हमारी भैंस गई पानी में, और पाटा किधर है भाई? पाटा भी गया साथ में। बताए मित्रों, इस बार SSGD की मेरिट कितनी जाएगी मित्रों? गांव में स्कूल में पहले एक नियम होता था, तुम्हारे में भी होता होगा भाई, जब मैं पढ़ता था तब तो होता था, हमारे जितने टीचर आते थे, जैसे हमारी स्कूल थी 10वीं तक, ठीक है, और इसमें से 8 टीचर आते थे, कितने आते थे? क्लासें कितनी थी? 10। इनमें से 8 में से 2 टीचरों में से एक तो ऑफिस में फिक्स था प्रिंसिपल, और एक वो गुगरी खवाने वाला, एक बस पूरे दिन मेज में चक्कर काटता रहता था कि भाई क्या बनाया, गुगरी बनाई कि नहीं बनाई, बस 2 लड़कों को लेके और ये काम करने वाला। तो बाकी टीचर कितने बजाते थे? 6। कितने बजाते थे? 6। अब इन 6 में से एक टीचर ऐसा होता था जिसका मेन टारगेट होगा कि मैं आज किसका पिटाई करूं, वो फिक्स था, वो उसका काम पूरे दिन एक ही कि भाई किसको पिटूं, कैसे पिटूं, हैं यार, किस कारण पिटूं। अब कोई बेचारा टॉयलेट करने जाता था ना ऐसे पकड़ के भी, तो भी ऐसे दौड़ के जाता था, ओहो, अगर वो मिल गया आगे से, ओ बेचारे क्या वैसे परे से मंडरकार, वो बोला कहां जा, अब कई कई तो कंट्रोल कर लेते, कई होगा फिर खुलासा हो जाता भाई कहां जा रहा ये है। कई बार ऐसा हो जाता भाई, जो कच्ची कमजोर छाती होते हैं ना उनका ऐसा हो जाता है, फिर बोला कहां जा रहा है, अगर वैसे जोर हो तो कई नीचे देखे सर जा रहा था, काम हो गया है वापस क्लास में है। अरे ऐसा होता था ये तुम्हारे क्लास में भाई? गवर्नमेंट स्कूल का मजा ही कुछ और था, कईयों के क्या है और क्या है, एक वो गुगरी खवा देते थे, तो गुगरी कई जगह दाल खवा देते, तो फिर दोपहर बाद में तो क्लास का मतलब वातावरण इतना खतरनाक वातावरण होता था कि ऐसे मतलब अलग अलग टाइप की आवाज आती थी, और सबके अपने अलग अलग पैटर्न, ठीक है, सबके अपने अलग अलग पैटर्न, धड़ाम धूम धाड़ धांग,
लेकिन सबसे खतरनाक साइलेंट पैटर्न भाई, ठीक है, सबसे खतरनाक, सबसे धुआंधार जो पैटर्न था वो था साइलेंट, जो धुसकी मारते थे ना पूरी क्लास को चला वातावरण ऐसा दूषित कर देते, एक मिनट में पूरी क्लास लोटपोट है, परमाणु बम मारते थे जिसको बोलते थे धुसकी बम, जो धमाके के साथ करता था ना ऐलान जंग, वो मतलब ज्यादा नुकसानदायक, बोलते ना कि बरसने वाले बादल कभी गरजते नहीं और जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं, तो ऐसे बम पटाखे फोड़ने वाले भ्रम्भा भ्रम्भा ज्यादा मतलब वातावरण को ज्यादा दूषित नहीं करते थे, ये केवल ध्वनि प्रदूषण ही करते थे, लेकिन जो साइलेंट था धस 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 तीन बार अगर उसने मार दिया पीछे वाले कोने में तो आगे वाले कोने में गेट रहता था, तो मतलब उसका बंपूर बना हुआ रहता था पूरी क्लास में, ठीक है। हाँ जी क्लास में पापा की परियां भी है जी। अच्छा मतलब पापा की परियां मतलब कहने का मतलब क्या, पापा की परियां मतलब फटाके ना छोड़ती, अरे पूरे साइलेंट बम यही से आते थे, कई साइलेंट बम आते थे अब्राम भुम्भा, अरे अरे रहने दो, बस ये है कि मैडम जी के गुरु जी के डर के मारे कोई बोलता नहीं था भाई कौन से किन्होंने फटाका छोड़ा है, ठीक है। लाड लो चलिए करते हैं शुरुआत, काफी देर से क्लास चल रही थी बोरिंग हो रही थी, चलो आपको मनोरंजन कर दिया, वापस आ जाओ क्लास पे और बताओ देखिए आंसर क्या होगा, किसका आंसर नहीं करा, अरे करा तो दिया, इन दोनों का डिफरेंस सात, सात का क्यूब, इन दोनों का डिफरेंस बारह और बारह का क्यूब, इन दोनों का डिफरेंस छह और छह का क्यूब, तो बारह का क्यूब कितना होता है सत्रह अट्ठाईस, लाड़ दो कितना होता है सत्रह अट्ठाईस, चलिए जी आगे जल्दी से बताओ देखे लाड़ लो, जल्दी बताओ देखे किसका होता है सही, ये है क्वेश्चन आपकी नींद उड़ाने वाला, बताओ देखें किस किस की नींद उड़ती है, चलिए मैं भी देखू देखें, बताओ भाई बताओ भाई, अरे कोई है प्राणी, कोई है प्राणी जो इस क्वेश्चन को हल कर सकता है, किसी में दम है कोई बाहुबल वाला, अरे अगर नहीं है ना बेटा ध्यान रखना ना, अगर किसी ने गलती से भी बोल दिया ना कि ऐसे जीडी की तैयारी कर रहा हूं बटेऊ के चक्कर में, देख लेना बटेऊ आके ऐसा क्वेश्चन दे देगा, बता भाई फिर तुम्हारी बेइज्जती धोली हो जाएगी, ए पापा की परियों बता दो देखें, परियां आंसर ना आ रहा तुम्हारा है, अरे मगरमच्छों मम्मी के मगरमच्छों बताओ देखें आंसर क्या आएगा, चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं अभी तक केवल आप में से 1% लोगों ने सही आंसर दिया है, बाकी किसी ने आंसर सही नहीं दिया है, इस हिसाब से तो भाई तुम आंसर ना दे पाओगे है, नजर के सामने जिगर के पास में आंसर ना आएंगे, देखो आठ गुना दस प्लस दस, यानी पहले गुणा और फिर प्लस दस, अब इसमें क्या होगा देखो गुणा दस और प्लस दस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा चालीस आ जाएगा, क्या आ जाएगा चालीस आ जाएगा, किसी का आया था कह रहे चालीस आया था, बताओ देखे इसका बताओ बताओ देखें, अरे हाँ बना देंगे भाई अभी आंसर क्वेश्चन आंसर तो ओनली बाकी कमेंट नहीं बना देंगे वीडियो, बताओ देखे
जल्दी बताओ, देखिए लाडलो जल्दी बताओ, जिसको आता है जल्दी जल्दी धरा धरा आंसर दो, जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, जाके अपनी भैंस चराए। अरे कुंदन कुमार भाई रिपीट मत मारो, पढ़ लिया मैंने में कमेंट। बताओ भाई, अरे इन चारों को जोड़ दो क्या जाएगा, और इनको जोड़ोगे तो क्या जाएगा, 11 और 9 20 और 16 36 और 36 में 18 जोड़ दोगे तो क्या जाएगा 54, चारों पदों का योग है लाड़ लो तो 18 आंसर आ जाएगा। अब आपके ना आ रहा उसका हम क्या करें, ये बताओ देखिए इसका दो भाई आंसर, अरे बताओ जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट बताओ, धमा धम आंसर बताओ भाई, ऐसे ना चलेगा, अरे ऐसे ना चलेगा, ऐसे तो जाके अपनी बेंच रहो, है दम है तो बताओ आंसर, अगर दम है तो आंसर दो भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है दम तो बताओ देखें, मम्मी के मगरमच्छ बता आंसर बेटा, नहीं तो आज मम्मी को बताएंगे तेरी को कि पढ़ाई ना करता, ये फोन जब रजाई में डाल के फोन पे बोलता ना मैं क्लास ले रहा हूं, क्लास ना लेता। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है यार, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, और आप में से एक का भी सही नहीं है, शर्म की बात है तुम्हारे को, अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को, एक का भी सही आंसर नहीं आ रहा। अरे यार ये किसका बर्गर है, ये किसका बर्गर है और ये किसका है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे रे, कितने हो जाएंगे रे, 21। ये किसका वर्ग है, ये किसका है, ये किसका है, इन तीनों को जोड़ेंगे 11 प्लस 9 प्लस 10 कितने हो जाएंगे रे 30। आपके आंसर आ रहे हैं क्या भाई 30, 40 40 आंसर बता रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को है, बताओ देखें, बताओ देखें, बताओ देखें, देखते देखे किसमें कितना है दम, 90% नहीं 99% फेल है दम तो इसका आंसर बताओ देखें, अगर है दम तो इसका आंसर बताओ, लाडलो मान जाएंगे कि आपकी तैयारी है। अरे कहीं हो गई भैंसे दौड़ी बेटा, जो आंसर देख लेना, इस बार जिसका गलत निकला ना उसकी भैंस गई पानी में, और भैंस फंस गई है पानी में जाके कीचड़ में। अरे क्या हुआ बुढ़ू बक्को, अरे ये 30 आंसर दे रहे हैं ना ये मुझे अच्छे लगे हैं, जो 30 आंसर दे रहे हैं ना ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, मतलब ऐसा है 30 वालों ने मतलब बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, आवाज नहीं, इसका इसे गुना करो कितने आएंगे, 3 दुनी और 6 चौक 24, 2 को ऐसे गुना करेंगे माइनस के 2, माइनस के 2 को माइनस 2 से गुना करेंगे 4 प्लस के, 5 को 6 से गुना करेंगे 30, और 30 को 0 से गुना करते क्या हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पे 0 हो जाता है, ठीक है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पे 0 हो जाता है बेटा, ये खास बात होती है इसकी 0 की, ध्यान रखना 0 नहीं है हीरो है। ये बताओ देखें, बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी, अगर किसी ने आंसर ना दिया बहुत ज्यादा इजी है, बहुत इजी है, जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, बताओ भाई आंसर इधर वाले, ये हंसी वादियां लाड़ लो 4 त्री और 12 7 5 त्री 15 दूनी
सादुनी चौपन सत्तर, तीनों संख्याओं को गुणा लिखा हुआ भाई अंदर। ये बताओ देखें, इस बार फंस गई ये थोड़ी सी गाड़ी है ना, इस बार हल्की सी गाड़ी फंस गई तुम्हारी है ना। बताओ देखे भाई इसका आंसर। कैसे बताओ भाई, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बा। अरे कैसन वा बताओ आंसर। अरे इसका ये कौन आंसर दे रहा, अच्छा ग्यारह दे रहे हो क्या, इन दोनों का योग कर दो भाई, सात और नौ सोलह, माइनस का छह कर दो कितना बचाएगा दस, इन दोनों का योग करेंगे तेरह, तेरह में से माइनस तीन करेंगे, इन दोनों का योग करेंगे पंद्रह, और पंद्रह में से माइनस चार क्या क्या जाएगा ग्यारह। ये मेरे यार चलो बताओ देखे इसका, हाँ दमखम दिखाना भाई तरफ, अब दिखाओ अपना दमखम, देखे किसमें कितना दम है। एस एस सी जी डी वालों देखते हैं कोर्ट कितनी रातें काली करता है, देखे तो सही कोर्ट कितनी रातें काला करता है तुम में से। बताओ देखें, कितना कैसे मैं तो अभी करूंगा तो पता, चलो बताओ भाई जल्दी। अरे क्या हुआ भाई, नींद आ रही है क्या, ट्यूशन दे के होश उठ गए हैं? क्या हुआ भाई, क्वेश्चन देके होश उड़ गए क्या? अरे कईयों के फ्यूज उड़ गए हैं भाई, नींद आने लगी है कईयों को क्वेश्चन देके, बेटा यहां तो नींद आ जाएगी। ऐसे जीडी का जिस दिन पेपर देगा ना उस दिन क्या होगा लाडले, आज तो तू सो जाएगा, कल क्या होगा, सोना नहीं है लाडले, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, सोना नहीं है भाई। देखो लाड लो इन दोनों का अंतर निकालो कितना आता है, छियासी माइनस अड़तीस कितना आ जाएगा भाई, अड़तालीस गुणा दस कर दो चार सौ अस्सी, ठीक है इन दोनों का अंतर निकालो, बहत्तर माइनस इक्कीस कितना बचेगा इक्यावन, इंटू दस करोगे पांच सौ, इन दोनों का अंतर चौबीस गुणा दस दो सौ चालीस, बताओ देखे किस इसका 240 आया था भाई, इसका बताओ देखे भाई, इसका बताओ भाई, बताओ भाई इसका बताओ देखे इसका क्या आएगा। अरे क्या हुआ भाई, नींद आ रही है क्या क्वेश्चनों को देख के, अभी तो क्वेश्चन बहुत बाकी है, आज ना छोड़ेंगे तुम्हें। सोच लेना एक बार अच्छे से, हाँ भाई बताओ भाई।
क्या हुआ भाई बताओ तो, 19, 16, 15, 17 देखते हैं किसमें कितना है दम, देखते हैं किसमें है कितना दम। कितना आ रहा है? अरे क्या हुआ, क्या हुआ, नींद आई जो हम सो गए, भाई तुम्हारा बेड़ा गर्क है, तुम्हारी भैंसे है ना पीली हो गई है, लाल हो गई है, हैं? तुम्हारा तो ये हाल है, अगर तुम्हारे आसपास में कोई बड़ा पुरानी बेटा ना तो उसको देकर उसको एक डंडा दे दो और बोलो चुतर लाल कर दो हमारे, ये हाल है तुम्हारे। ये जो 15 आंसर बता रहे हैं ना, 15 बता रहे हैं और कुछ 19 भी बता रहे हैं, भाई ला कहां से रहे हो, कोई आसपास में कोई समझदार प्राणी है तो उसको एक इतना बजा दो लठ है और ऐसे ऊपर करके ऐसे खड़े हो जाओ, उसको बोलो भाई दबा दब मार देखें 10-12 आग ताकि करंट दौड़े तुम्हारी खोपड़ी में। अरे बावड़ी पूछो, ये 11, 11 का वर्ग कितना होता है? अरे एक का वर्ग एक, इसमें से इसका वर्ग माइनस करेंगे कितने बच जाएंगे 120। 7 का वर्ग कितना होता है और 2 का वर्ग 49 में से 2 माइनस करेंगे, 5 का वर्ग 3 का वर्ग बराबर बराबर 16। और जिनके 16 नहीं आ रहे ना ये एक एक आंसर बोल रहे ना ये 19 19, अपने आप के मार लो एक डंडा लेके इसे धराम धम। यही है तो बाद में पूछेगा पेपर देखा ने, गुरु जी आपको क्या लगता है कितनी मिनट जाएगी, आपके अनुमान से बता दो, एक हिसाब से बता दो कि कितनी जाएगी मेरिट, बताओ देगा इसका। चलो गलत बता दिया इस बार तो जहां पे हो वहीं पे खोपड़ी तोड़ देंगे, बताओ देखो इसका बताओ, सोच समझ के दियो आंसर। इतना समय लगने वाला क्वेश्चन है नहीं, हाँ इतना समय लगने वाला क्वेश्चन ना है। गुरुजी आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी? अरे भाई शादीशुदा आदमी हम, कितनी गर्लफ्रेंड है, तुम तो घर बिगाड़ने के चक्कर में हो भाई। गुरु जी आपकी कितने गर्लफ्रेंड थी? गर्लफ्रेंड होती तो यार ना होते, ध्यान रखना, या तो गर्लफ्रेंड हो सकती है और या सक्सेस। वो बोलते हैं ना कि एक सक्सेस इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बेटा नौकरी ना लगोगे ना औरत मिलेगी ना, हाथ तो क्या पैर भी ना मिलेगा, ठीक है, औरत सक्सेस के पीछे जाती है, ध्यान रखना, ना तो मिलेगी ना, ये बात किसी ने कही ना बिल्कुल सही कही है, ठीक है। तो भाई ये बाबू टोना का चक्कर छोड़ो और पढ़ाई में ध्यान रख लो, जो चेटिंग में शेटिंग की सोचते हैं ना उनकी डेटिंग कम हो गए, रेटिंग कम हो जाएगी ऐसे सिटी में, ठीक है, इसलिए लाड़ लो आंसर देखो, इन दोनों को जोड़ो कितने हो जाएंगे 35 गुना 2 करेंगे तो 70, इन दोनों को जोड़ो कितने हो जाएंगे 30 गुना 2 करेंगे तो 60, इन दोनों को जोड़ो कितने हो जाएंगे 43 गुना 2 करोगे तो 86, क्या हो जाएंगे 86, ठीक है लाडलो। विराट सर आपकी 10 गर्लफ्रेंड था, FIR सक्सेस कैसे हो गया फिर आपसे, 10 गर्लफ्रेंड था मेरे, किसने बताया भाई, बोल रहा बेटा 10 गर्लफ्रेंड था, तेरे को कैसे पता चला है, कैसे पता चला तेरे को बताओ भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दो, एक सेकंड में आंसर दे दो, देखते ही आवाज नहीं, आवाज नहीं, बस बस इतना।
जल्दी आंसर दो, जल्दी ना जीएफ कितनी, अरे जीएफ तो थी लेकिन जीएफ से शादी हो गई भाई, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि जीएफ ना है, ठीक है, हम तो नौकरी ना भी लगते ना तो भी अपना अरेंजमेंट कर रखा था हमने, रनवे ना घूमते, ठीक है, अरेंजमेंट पहले लेके चलती है हम सिक्योरिटी, ठीक है, हम पहले जो प्री प्लान के साथ थे भाई तैयार, नौकरी ना भी लगते ना और फौजी बन गए फिर तो कोई टेंशन ना, क्या शादी तो अभी की है, चार अभी चार महीने में शादी को, 4 जुलाई को शादी की हमने, और क्या अभी इस 4 तारीख को 4 मंथ एनिवर्सरी थी भाई, कल ही बीते हुए कल ही 4 जुलाई को शादी करके 15 जुलाई को अकेडमी ओपन कर दी थी हमने, और बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं सर जी आपके रेंज में रही लव, तो बता देते भाई लव मेरी जाए, ऐसा नहीं है कि प्यार मोहब्बत करने वाले सक्सेस ना होते जिंदगी में, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस समय किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, ये समय अभी आपका बाबू सोना करने का नहीं है, अभी मेहनत करने का है, तो पढ़ाई कीजिए रात दिन, बच्चे कहां भाई अभी 4 महीने में कहां बच्चे होंगे, है बोल रहे गुरु जी कितने बच्चे आपके भाई, 4 महीने में कहां बच्चे होंगे, ऐसा तो अभी कोई सिस्टम आया ही नहीं है भाई, हाँ इतने भी फॉरवर्ड नहीं थे हम, ठीक है, इतने फॉरवर्ड भी नहीं हम, अरे 4 महीने वे नहीं है गुरुजी बच्चे, अरे इन दोनों को जोड़ के इनका वर्ग है भाई, इन दोनों को जोड़ के इसका वर्ग है, इन दोनों को जोड़ के कितने हो जाएंगे 14 14 का वर्ग 196, बस बताओ देखे गुरु जी बच्चे कितने आ गए, अरे 4 महीने शादी को है बच्चे कहां से होंगे भाई, बताओ बताओ देखे, जल्दी से बताओ लाड लो, बहुत इजी है बहुत इजी, कितना आएगा, हाँ ऐसे ही बोलता है कि प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ाई कर ले यही मौका है, और मौका चूकना नहीं चाहिए, मौके पे चौका मार देना चाहिए लाडलो, देखो इन तीनों का गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 6 चौक 24 और प्लस 1 कर देंगे तो क्या जाएगा 25, इनका गुणा 7 5 35 2 70 और 70 में प्लस 1 कर देंगे तो 71, इसका गुणा 5 5 5 5 30 और प्लस 1 कर देंगे तो बेटा 31, क्या हो जाएगा 31, चलिए जी आगे आ जाइए बताइए जी, इसका बहुत इजी है बता देते अब ये हम बहुत ज्यादा इजी हम बता देते, लेकिन हम बता देंगे फिर तुम क्या करोगे, जल्दी जल्दी बताओ लाड लो जल्दी जल्दी, देखते हैं किसकी कैसी तैयारी है भाई, नींद आ रही है तो मुंह धो लेना, सोने नहीं देंगे आज हम, अभी 35 क्वेश्चन हुए, क्वेश्चन 100 है, फास्ट कराओ सर, ओके इन दोनों को जोड़ो कितने हो जाएंगे, 9 को 2 से गुणा करोगे, इन दोनों को गुणा करोगे 6 6 को 5 से गुणा करोगे 2, इन दोनों को जोड़ो कितना 11 और 11 को 3 से गुणा करोगे तो 33, बताओ भाई जल्दी जल्दी बताओ जल्दी 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 बता दो लाड लो, देखें खपा खप फास्ट फास्ट आंसर दे दो, देखें जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्या हुआ होश उड़ गए क्या वापस है, बताओ भाई बबूता जी,
अरे बहुत इजी है भाई, बहुत ज्यादा इजी है। किसी का आया है क्या आंसर? किसी का नारा बेटा, रात को पढ़ाओ या दिन को? एक दिन सफल बनना है खुद को, बिल्कुल सही। बताओ क्या है कबूतर जी? अच्छा जी, बाकी प्राणी? हाँ जी, देखिए लाड लो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 18 में 3 प्लस कर दीजिए, कितने आ जाएंगे? 21। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का बेटा? 5 का। 21 में 5 प्लस करते हैं, क्या जाएगा? क्या जाएगा? 26 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 24 में 5 प्लस करेंगे, कितना जाएगा? 29 जिसका आया उसका बिल्कुल सही है, बाकी सबकी गई भैंस पानी के अंदर। चलिए जी भाई बताइए। ओए होए होए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी बा, बहुत ज्यादा इजी बा क्वेश्चन। बताइए देखिए किसका सही होता है, चलिए देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है। देखिए बताओ भाई, बताओ देखिए जल्दी से। जल्दी जल्दी बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या आएगा? 56। किसका आ रहा है 56? अरे सभी का 56 ना आ रहा भाई, ऐसे तुम्हारी भैंसे दौड़ी हो जाएगी और लाल भी। देखो 24 - 4 का इसका वर्ग कर लीजिए, इसका वर्ग कितना था? 2 का वर्ग 4। इसको माइनस करेंगे क्या जाएगा? 20। 39 - इसका वर्ग कितना होता है? 9। क्या जाएगा? 30। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो 56 - 16 करेंगे क्या जाएगा? 40। तो आंसर क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। क्या तुम्हारा आंसर 56 है? बताओ भाई, इस बार 2 क्वेश्चन मार्क है, कितने? 2। हाँ जी बताओ किसका क्या आ रहा है? देखिए बताओ भाई क्या आएगा? 2 नंबर। कैसे आएगा भाई 2 नंबर? बताओ देखे। क्या? हाँ जी, इन दोनों का अंतर कितना है? 1 का। इसमें 1 जोड़ दिया क्या हो जाएगा? 4। इन दोनों का अंतर कितने का है? 7 का। तो 7 इसमें जोड़ देंगे क्या जाएगा? 28। इन दोनों का अंतर कितना है बेटा? 7 का। 28 में 7 जोड़ेंगे 35। इन दोनों का अंतर कितना है? 7 का। इसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 42। तो क्या आंसर हो जाएगा? 28 और 42। अरे क्या आपका यही आंसर आ रहा है? हेलो सर, मैं आपके साथ में वर्क करना चाहता हूं, बीकानेर से हूं। हाँ जी आ जाइए भाई, बताओ देखें। बताओ भाई, बहुत इजी है,
बहुत ज्यादा इजी है भाई, आवाज नहीं आंसर लिखना, बस आवाज नहीं उधर आंसर लिखना, जल्दी बताओ भाई। बोल रहा असम राइफल कैसी है? बहुत बढ़िया नौकरी है भाई, असम राइफल की बहुत मजे वाली नौकरी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फौज की वर्दी मिल जाती है, आर्मी की पहनने को और क्या टेंशन है भाई। अरे देखो बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी गलत आंसर दे रहे हैं बहुत ज्यादा लोग, कोई 66 कोई 29, अलग अलग आंसर बता रहा है, कोई 66 बता रहा है कोई 84 बता रहा है, इतना कैसे बेड़ा गर्क हो गया तुम्हारा। अरे बहुत इजी है, अरे देखो गुणा करो, 4 3 12 2 24 + 8 32, 5 3 15 + 9 24, 7 3 21 × 3 63 + 7 कितना हो जाएगा 70, 3 2 9 18, 18 4 72, 72 + 12 84, आंसर क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा आंसर, समझे। चलिए जी बताइए, देखिए इसका जल्दी से बताओ, देखिए किस चीज का सही निकलता है, देखिए आज बताओ, देखिए जल्दी बताओ, देखे भाई बताओ भाई किस किस के, हाँ जी 90 आंसर किस किस के आ रहे हैं लाड लो, और कैसे आ रहे हैं, एक एक पांच इसको गुणा करेंगे कितना जाएगा, इनको गुणा 6 2 9 12 84, इसको गुणा करेंगे कितना जाएगा 30, और 30 को 3 से गुणा करेंगे क्या जाएगा 90, क्या जाएगा 90 आंसर आ जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन, ये बताओ तो जाने बहुत इजी है, तो ये तो क्या बताओगे, कोई बता देगा, ये तो बहुत इजी है, कोई बता देगा। बताओ भाई 343, अरे 8 का वर्ग 8 का क्यूब, 9 का वर्ग 9 का क्यूब, 7 का वर्ग 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, 7 का वर्ग कितना होता है 343। चलो जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्वेश्चन अभी बहुत रह गए, जल्दी जल्दी बताओ लाड दो, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट, देखे थोड़ा सा खोपड़ी को चलाओ और हिलाओ, देखे बताओ भाई, हाँ ये तो समझ गए भाई, ये बताओ कोई है प्राणी जो इसका आंसर दे सकता भाई है, कोई है एक भी प्राणी सिंगल वन पीस जो इसका आंसर दे सकता है, चलिए देखें
आप रातें केवल जाग रहे हो या मेहनत भी कर रहे हो? आर्मी लवर बॉय 9 बता रहा है, विपिन गुप्ता जी 7 बता रहे हैं, सत्येंद्र जी 40 भी बता रहे हैं भाई, 40 आंसर सबसे ज्यादा अभी तक, सबसे ज्यादा 40 आंसर सबसे ज्यादा। इसके बाद में 36 सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे कौन सा था? देखिए 36 बहुत ज्यादा आ रहा भाई, 36 बहुत ज्यादा आ रहा है, 36 बहुत ज्यादा आ रहा भाई। बहुत ज्यादा क्या आ रहा है भाई, 36 आ रहा, बहुत ज्यादा क्या आंसर है बताओ। देखें सबसे ज्यादा 36 और 40 आ रहा भाई, पर मैं बताऊं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं लाड लो, अभी तक सारे के सारे गलत हो तुम, किसी के आंसर सही नहीं आया। पर तैयारी कर रहे हैं हम एसएससी जीडी की, 40 दिन का समय बचा नहीं है तुम्हारे पास में, मात्र 45 दिन है, देख लेना भैंस जाएगी पानी के अंदर नहीं तो तुम्हारी। चला लो खोपड़ी, नहीं तो बेटा हालत खराब हो जाएगी, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी, कहीं के ना रहोगे। इनको जोड़ो 18 और 9 27 और 17 जोड़ देगी, 18 प्लस 9 27 और 17 44 कितना हो गया, 44 इसमें से ये 6 माइनस कर दो कितना जाएगा 38, ठीक है। उसी प्रकार इन तीनों को जोड़ो, 11 11 22 और 9 22 और 19 41 माइनस 9 कर दो इधर वाला, कितना बचाएगा 32, इन तीनों को जोड़ो ठीक है, और माइनस ये कर दो, 12 और 9 कितने हो जाएंगे 21 और 8 29, और 29 के माइनस 20 करोगे क्या बच जाएगा, अरे 9 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 9, जो कि किसी का आंसर नहीं था, केवल 2-4 बच्चों का ले देके 2-4। अब बोले क्वेश्चन गलत है, वाह रे वाह साइंटिस्ट, क्वेश्चन गलत हो गया है, खुद को नारा तक ससरी का क्वेश्चन गलत हो गया, अरे खुद को नारा तेरे को, बेटा प्रैक्टिस करता ना गुरुजी, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ना बेटा तेरी खोपड़ी गलत चल रही है, बताओ देखे, बहुत इजी क्वेश्चन है, अब तक आंसर आना चाहिए, धड़ से आंसर बोलो। अरे इन दोनों का योग करके इधर लिख दिया और गुणा करके इधर लिख दिया, 7 और 6 कितने हो गए 13 और 7 संग 42 कितने हो गए 15, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना जाएगा 56। चलिए जी भाई अगले में आ जाइए भाई, इसका बताइए देखे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, ये मेरा दिल कहता है, कि दिल चाहते हो या जहां चाहते हो हमको बता दो भाई क्या चाहते हो, बताओ भाई, बिल्कुल सही, देखो क्या किया है, इसका बटा 2 कर दीजिए कितना जाएगा भाई 7, और 7 का इसे गुणा कर दीजिए, इसका बटा 2 कर दीजिए कितना जाएगा 9, और 9 को 9 से गुणा करेंगे तो यहां पर इसका बटा करें तो इसका किससे गुणा हुआ है 8, तो इसका दुगुना करके यहां लिख देंगे, क्योंकि 16 का बटा 2 करेंगे तो क्या जाएगा 8, 8 का इसे गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 88 आ जाएगा। चलिए जी अगले में, इसमें बताइए देखिए क्या हुआ है, ये तो बहुत इजी है भाई, बहुत ज्यादा इजी है भाई, कैसे देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में 38 का, यानी इसमें 38 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 64, अरे कितना आ जाएगा, चलिए जी ये बताइए देखें, हाँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन ढंग का है बताओ देंगे,
ये क्वेश्चन थोड़ा सा ढंगा है भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ढंगा है जरा सा, तो बताइए देखिए क्या आंसर आएगा। बताओ देखे लाड लो क्या आएगा आंसर, जल्दी से जल्दी जल्दी बताओ भाई। हाँ जी 118 आंसर आ रहा भाई, कोई बता रहा है 118। अच्छा हाँ भाई बताओ जी। एक सौ अठारह वाले लिखो देखे जल्दी जल्दी। ओ तेरा भी बहुत आ रहे भाई, तेरी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं, तेरी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं। तेरी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं भाई, इसका मतलब तेरी पार्टी जीत जाएगी हैं। बताओ भाई 13 वाले तो बहुत सारे लोग आ गए, कैसे? अच्छा इसने यहां से सीधा देख लिया बेटे ने, कहा इसमें इसमें 5 का अंतर, तो इसमें 5 का अंतर 13। ये तरीके वाले कितने आंसर देंगे, हाथ खड़े करो भाई जिनका ये तरीका है हा? जो इस तरीके से डायरेक्ट टेक्नोलॉजी जो लगा रहे हैं, ये कितने लोग बताओ देखें जो सीधी टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं। 15 + 12 कितने हो गए, कितने हो गए 27 और 9 36, इनका जोड़ो देखें 44 + 28 है, कितने हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं भाई, क्या हो रहे हैं बेहतर। इन दोनों को जोड़ो 64 + 53 कितने हो जाएंगे 117 भाई। आप बताओ देखिए इनमें क्या कॉम्बिनेशन है, अब देखो इन दोनों का जोड़ करके इसमें 9 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, घंटा जाएगा, 4 बार, 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 बार कहां जाएगा, 3 बार। इन दोनों का योग करेंगे कितना जाएगा, 72 में 9 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, इन दोनों का योग करा कितने आया 123, इसमें 9 का भाग देंगे 13 बार, कितनी बार 13 बार। बेटा आ गया जाएगा 12 बार 13, ऐसे ये कौन सा तरीका हो गया, बोला गुरु जी इसमें इसमें 5 का डिफरेंस है, इसमें इसमें 5 का डिफरेंस है, वाह है तेरे बाद पार्टी के तो बहुत लोग निकले बाद में। हाँ जी बेटा लाइफ फायर बेस में जितना भी कोर्स आपको दिया गया है उसमें पूरा SSGT का कोर्स दिया गया है, उसमें मैथ के कुछ चैप्टर है जो अभी करवाए जा रहे हैं वो बाकी है, ठीक है, जो आपको दे दिए जाएंगे 5 या 10 दिन के अंदर, ठीक है। मैथ की 10 क्लास बाकी है जो अभी प्रोसेसिंग में चल रही है, लाइव भी चल रही है, रिकॉर्ड भी हो रही है, तो वो आपको 10 दिन के अंदर अंदर दे दी जाएगी, 10 क्लास है 5 दिन के अंदर सॉरी। तो उसके बाद में आपका SSGT का संपूर्ण कोर्स हो जाएगा, उसमें एक साइंस के कुछ चैप्टर रह रहे हैं तो साइंस आपको एक साथ दे दी जाएगी 5 या 6 दिन के अंदर लाड लो। हाँ जिसने अभी तक लास्ट फायर बेस नहीं लिया लाड लो, कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है और ले सकता है, ठीक है। चलिए जी
बताओ देखें, चार्ज खत्म हो गया भाई, चार्ज दोबारा कर ले, बताओ देखें जल्दी से। बताओ कैसे, बताओ देखे। हाँ नो साउंड सर, साउंड आ गया भाई, अब बताओ, साउंड का कोई टेंशन नहीं है, तुम आंसर बताओ। बताओ भाई आंसर बताओ देखे जल्दी से। बताओ देखिए लाड लो, बताओ भाई। हाँ जी बताओ देखे लाडो जल्दी से।
क्या हो गया रे? बताओ भाई, साउंड साउंड नहीं है, अभी नहीं आ रहा क्या साउंड? देखो देखो साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? हाँ बताओ भाई, जो 81 बता रहा है बताओ कैसे, जो 81 बता रहा है बताओ देखे कैसे। अरे मच्छर कहां से आया इतना? ओहो, जो 81 बता रहा है वो बताओ कैसे, क्वेश्चन गलत नहीं है भाई। जो 81 बता रहा है वो बताएगा कैसे, साउंड नहीं आ रहा सर जी, साउंड चलो चला के देख लेता भाई। देखता हूँ एक मिनट। हाँ 18 को 81 लिखा जाएगा, बिल्कुल सही पकड़ लिया भाई इसने। साउंड देखता हूँ भाई, साउंड देखो लाडलो, इसमें एक क्रम चला, तुम नहीं पढ़ पाए होंगे। एक चीज देखो, दोनों का स्थान चेंज कर दिया, इधर इन दोनों का स्थान, तो 18 को क्या लिखा जाएगा 81, 13 का स्थान चेंज, समझे? तो क्या आ जाएगा, आ रही है ना आवाज? कौन बोल रहा भाई, आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है। लोगो चेंज ऐसे कर दिया भाई, लोगो का क्या है? चलो बताओ देखें इसका, बताओ इसका, बताओ देखे लाड लो क्या आएगा जल्दी से। वॉइस को क्या है, आपके फोन में प्रॉब्लम होगी बेटा, हमारे इधर से तो पूरी वॉइस आ रही है। अरे क्या बात, सभी को आवाज सुनाई नहीं दे रहा, हमारे फोन में तो आ रही है, इतनी आ रही है भाई। बताओ देखिए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन देता है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन देता है, अगर तुम्हारी नींद नहीं उड़ी है तो ये क्वेश्चन तुम्हारी नींद उड़ा देगा, इसमें कोई शक ना है। बताओ भाई, अगर तुम्हारी नींद नहीं उड़ी है तो क्वेश्चन नींद उड़ा देगा। किसी को नींद आ रही है तो क्वेश्चन से माथा फोड़ी कर लो, तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। तुम में से 5% लोग भी सही आंसर नहीं दे पाएंगे इस क्वेश्चन का। कितने परसेंट? मात्र 5% भी सही आंसर नहीं दे पाएंगे। हाँ जल्दी बताओ देखे, क्या हुआ भाई? आवाज सुनाई नहीं दे रहा बेटा, क्योंकि बाबू सोना के कॉल आ रहे होंगे, इसलिए हमारी आवाज ना सुनाई दे रही है। अरे है कोई दमदार आदमी जो इसका आंसर दे सकता है? है किसी का ऐसे जीडी में पक्का नंबर जो इसका आंसर दे सकता है? है किसी में दम? जो 44 आंसर बता रहा है उसके लिए मैं बता दूं, आंसर गलत है भाई तुम्हारा। सबसे ज्यादा अब तक 44 आंसर बताए, वो बिल्कुल गलत है। अच्छा आप कोई नहीं आंसर बता रहा है, वो कौन कौन है? कोई नहीं वाले बताओ देखे। चलो यहां पर एक ऑप्शन की कमी है, मैं आपको लिख देता हूं, एक ऑप्शन 48 भी है भाई। ये कोई नहीं की जगह क्या है ऑप्शन? ऑप्शन ई मान लीजिए, ऑप्शन ई है लाड लो 48। अब बता दीजिए देखें, अच्छा 48 तो दिया हुआ ना? अरे हाँ 48 तो दिया हुआ भाई। अरे कोई दमदार प्राणी,
है कोई सूरमा एसएससी जीडी वालों? देख रहे इस क्वेश्चन का तो सही आंसर देगा ना, उसको लाडले कल हम उसके बात करेंगे किसी लड़की के लिए, बताएंगे कि भाई एक लड़का है होशियार है बहुत अच्छा लड़का है और इस बार ऐसे जीडी में नंबर ले सकता है, तो बात करेंगे उसके रिश्ते की, ऑनलाइन बात करेंगे, ठीक है, किसी से करेंगे, किसी की दो चार लड़कियां तो उनको बोलेंगे देख लो भाई लड़का अच्छा है और बहुत बढ़िया आंसर देता है और ऐसे ऐसे आंसर देता है, बहुत धुरंधर है, ताबड़ तोड़ है, आंसर नहीं देंगे ना बोलेंगे बीड़ी पीने वाला है, इसके साथ में मत कर देना क्योंकि ये है ना बीड़ी भी पीता और एड भी वो देखता, कौन सा बोलो जुबा केसरी, कहां जाओगे जुबा से दूर ना जा पाओगे, दाने दाने में केसर का दम, बोलो जुबा केसरी, थोड़े से दिनों में देखना अजय देवगन, अभी जुबा केसरी का शाहरुख खान की पिछले दो साल में कोई मूवी आई नहीं है, अजय देवगन इनकी इनकी मूवी पिट गई है, दोनों ने मिलकर जुबा केसरी बेच रहे, अब थोड़े से दिनों में ऐसा होगा कि इनकी एक दो मूवी और पिट जाएगी ना, फिर ये बीडिया बेचते घूमेंगे, हाँ फिर ये बोलेंगे देख लो उसका बेटा तो फंस ही गया ड्रग्स के केस में, तो फिर ये बीडिया बेचेंगे लोगों को, हैं बोलेंगे बोलो जुबा धुआंधार है, अरे देखो तो सही सीन कैसे अजय देवगन करदर नाट टेडी करके जा रहा जुबा केसरी को लेने, हैं पीछे शाहरुख खान ऐसे कर रहा है, अरे बेटा सारा जुबा केसरी ना खा रहा, बेटा खा रहा ड्रग्स, नार्कोटिक्स वालों ने पकड़ा उनको, है ना, नार्कोटिक्स वालों ने दर्द बोचा भाई आजा भाई, बताया उनको पता चल गया कि जब बाप विमल बेच रहा है तो बेटा सीधी सी बात है गांजा चरस में होगा पक्का, तो बाप नमरी तो बेटा देश नमरी, तो जब बाप विमल बेच रहा है तो बेटा पक्का भारी चीज बेच के, ये हो गया अजय देवगन का भी देख लेना थोड़े से दिनों में, वो भी कहीं ना कहीं फंसेगा, सारा पूरी दुनिया को खिला दिया, इनको शर्म आती नहीं है, जुबा केसरी घंटा केसरी जुबा है, और इतनी केसरी तो फिर खीर में डाल दो उसको, एक विमल को शादी पार्टी में क्या करना भाई, विमल को डाल देना खीर के अंदर, ठीक है, कोई बोले ना क्या बोलना केसर है, दाने दाने में केसर है इसके में, ठीक है, जब बेटा बाप विमल बेचता घूम रहा था ना, बेटा तरस गांजा बेच दिया, हर थोड़े से दिनों में ऐड करेंगे किसका बीडी का, और बोलेंगे बोलो जुबा धुएंधार है, जुबे धुएंधार, कितना दूर जाओगे धुएं से दूर ना जा पाओगे है, ये तो ये अभी तो चलो कोई बात नहीं, मुंह की धुएं की बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि पिछवाड़े से भी धुएं मारे ये है, ऐसे करके पिछवाड़े से धुएं मारे धम 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 है, और फिर उसके साथ में अटैचमेंट वाले कुछ भी करते थे पीछे धुएं के कलर अलग अलग लगा देंगे, पहले में रेड फिर ब्लैक फिर ब्लू अलग अलग कलर कर देंगे, ठीक है, देखो क्या हुआ है, इंटू दो इंटू तीन इंटू चार कितना हो जाएगा, दो को दो से गुणा करेंगे तो चार, इसको गुणा करेंगे तो पंद्रह और इसको गुणा करेंगे तो चौबीस, आठ चौक बत्तीस, इनको जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे इक्यावन, बहुत इजी है, इसी प्रकार इसका कर लीजिए गुणा दो गुणा तीन गुणा चार, क्या जाएगा लाड लो दो प्लस चौबीस प्लस सोलह कितने आ जाएंगे भाई बयालीस, कितने आ जाएंगे बयालीस, जिस जिसने बयालीस दिया बिल्कुल सही है, सर्दी आने दो बेट सर, हाँ धुआं धुआं सर्दियों में करेंगे भाई धुआं धुआं, रजाई गर्म करने वाला काम है, ये थोड़े से दिनों में देख लेना इनकी एक्टरों की हाल होने वाले हैं, धीरे धीरे जिनका काम धंधा नहीं चलेगा ना ये भी रजाइया गर्म करने का काम करेंगे, टेंडर लेंगे रजाई करेंगे और स्पेशल ऑफर देंगे मूली खिलाने पर, क्योंकि मूली खिलाने से क्या कि रजाई सेकेंडों में गर्म होगी, ठीक है, मतलब पराठों का इतना असर नहीं, अगर किसी ने मूली खा ली ना तो रजाई ये मान लो सेकेंडों मिनटों काम सेकेंडों में धड़ाधम धम धड़ा रजाई गर्म, ये रजाइया गर्म करेंगे थोड़े से दिनों में लोगों की, लो भाई बताओ देखे बताओ लार लो,
बताओ लाड लो क्या होगा, समीर बता भाई। बोल रहे मोट खाएंगे दीपावली में, हम मोट भी धमाके कम ना कराते वो भी ज्यादा कराते हैं, बताओ भाई लास्ट क्वेश्चन है। भाई इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा ना मान जाएंगे उसको कि वो सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, बिल्कुल दमदार खिलाड़ी मान लेंगे अगर कोई इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा तो। ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर दे दो लाड लो, देखें कोई है यहां पे प्राणी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक और शानदार आंसर दे सकता है। अरे कोई है किसी में है दम है, कोई है किसी में दम, लाड़ लो ध्यान रखना सुबह 6 AM पर क्लास होगी अपनी स्टैटिक जीके की, कितने बजे 6 बजे, 6 बजे क्लास होगी स्टैटिक जीके की। चौपन 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 बता रहे हैं लेकिन चौपन गलत है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं चौपन गलत आंसर है, चौपन हाँ टाइम पे आ जाएंगे भाई। अरे टाइम पे आ जाएंगे यार, क्यों चिंता कर रहे हो, तुम्हारा ये तो एक तो ओलमा देते हो तुम यार, बहुत ज्यादा ओलमा तुम बहुत ज्यादा देते हो यार, इतने ओलमे ना दिया करो। हाँ समीर देख ले इधर देख ले, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कब जगह देख तो ले, देखो कैसे क्वेश्चन है, देख के होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। 22 भाग 2 का कितना जाएगा, गुणा 4 कितना आ गया, कितना आ गया समीर 44, 18 भाग 2 का कितना आ गया, 36 में भाग 2 कर दिया कितना गया 18 गुणा 4 कितना जाएगा 72, समझा मैं समझा समीर, 30 भाग 2 का कितना गया गुणा 4 कितना गया 60, देखा ऐसा भी क्वेश्चन आता भाई तो आंसर क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, समझे। अरे उड़े होश नींद उड़ी, चलो ना उड़ी तो इस बार उड़ा देंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या अक्षर क्रम का पहचान ये बताइए क्या आएगा, क्या आएगा बताओ देगी जल्दी से, डाटो मौज कर दे गुरु जी। क्वेश्चन ठाडे हैं भाई, ठाडे ठाडे क्वेश्चन है ध्यान रखना। हाँ जी क्या और कहा लाड़ दो, +3 +3 और +3 करेंगे तो क्या जाएगा जे आ जाएगा जी, क्या जाएगा जे आ जाएगा, क्या जाएगा जे आ जाएगा जे, इसमें बताओ देखे क्या आएगा, ये तो बहुत जीजी है बहुत ज्यादा जीजी, स्पीड ओके स्पीड स्पीड लाड लो, +1 +2 +2 +2 +2 +2 +2 ओ ओ, 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 ओ क्या जाएगा
क्या आ जाएगा? ओ बताओ देखें, बताइए ना क्या है आंसर, बताइए जी, बता दीजिए ना क्या आएगा आंसर भाई। चलिए लाड लो, सुबह ये लास्ट क्वेश्चन आज का, इससे आगे की क्लास हम कल करेंगे, कोई बात नहीं, कल भी हमारी क्लास इससे लंबी रहेगी, ठीक है। कल भी रात को 8 बजे से हमारी आज थोड़ी डिले हो गई थी, लेट हो गई थी, कल 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी और 11 बजे तक 3-3 घंटे की क्लासे चलेगी, 10-11 बजे तक क्लासे चलती ही रहेगी, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा लाड लो, +3 +3 +5 +5 +7 +7 करेंगे तो क्या जाएगा? डब्लू ये मंगलिया की माँ है जिसके पैर ऊपर हो गए। कौन है? मंगलिया की माँ है जिसके पैर कहाँ हो गए? ऊपर हो गए। अरे पता है ना मंगलिया की माँ का, माँ का नक्का। सुबह 6 AM पर आ जाना सारे, 6 AM के बाद में आएंगे ना हम क्लास को करेंगे, लाड लो सुबह प्राइवेट, जो 6 AM के बाद में आएगा ना वो क्लास में एंटर नहीं कर पाएगा। और देख लेना कल बहुत ही शानदार क्लास है, ठीक है। अरे आ जाओगे सुबह, उठ जाओगे 6 बजे तक, देख लेना अभी बाबू सोना किया ना तो ना उठ पाओगे, चुपचाप सो जाना, कोई बात नहीं, बाकी किसी की बाबू आबू को नींद ना आए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर आपको दिए हुए है ही, ठीक है। लेकिन वो रात में बंद रहते पहले बता दूं मैं। चलिए लाडलो बहुत ही अच्छा, तो काफी आंसर दिया आपने, बहुत अच्छे आंसर दिए, 30-53 क्वेश्चन हमने किए हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छे आंसर दिए, मतलब पढ़ाई तो कर रहे हो तुम, ठीक है। राम राम। लाडलो सुबह कितने बजे आना है? 6 बजे। अगर 6 बजे से लेट हो गए तो हम क्या करेंगे? घुसने नहीं देंगे, क्योंकि इसको हम क्या कर देंगे, मेंबर ओनली कर देंगे, उतने लोगों को मेंबर बना के मेंबर ओनली क्लास कर देंगे, ठीक है। अभी सभी को गुड नाइट, सभी को गुड नाइट जी भाई, गुड नाइट। ओके गाना हो जाए, ना वो भी ना लाला, वो उसे ड्रोन से बनाया, वो ना ना 5 बजे उठ जाते हो, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, 5 बजे उठ जाते हो तो उठ ही जाना। सर आप राजस्थान से हो क्या? हाँ जी राजस्थान से भाई। OMG सर आपका नागालैंड से हूँ। कट ऑफ कितनी जाएगी? कट ऑफ कितनी ना जाएगी बेटा, आ जाएगा तेरा नंबर, बस तू तो मजे करता रहा अभी जैसे कर रहा है, ठीक है। गाना 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 गाना, अभी कोई गाना याद ना आ रहा भाई, गला सूख गया, 2 घंटे हो गए बराबर बेटा। देख ये स्कीम बात है, कौन है ये? ये है गेमिंग विद हुसैन, ये बहुत कलाकार आदमी, इसने पता क्या किया है, इसने दुखती नस पे हाथ रख दिया है, बोला सर मैडम के लिए गाना हो जाए। अरे होशियार, बोला ऐसे तो मना कर देंगे, दुख दिन हाथ रखे तो मैडम के लिए, क्योंकि मैडम भी देख रही होगी लाइव, अब नहीं गाएंगे तो भी फंस जाएंगे, तो गाना ही पड़ेगा। अच्छा माई सैनी जी, उनका कॉल ना आएगा अगले 45 दिन तक, 16 नवंबर तक उनका फोन जमा है जी, हैं? तो होशियार देगा, बोला मैडम के लिए, कलाकार है भाई, कौन सा गाना गाए बताओ, वो गाए क्या संदेश से आ नहीं तो भजन गा देते हैं क्या? अच्छा आप समझ में नहीं आएगा, नहीं तो मैं तो भजन गा दूंगा, है कौन सा गाना ये बताओ। अच्छा देखो ये भी मजे ले रहे भाई तुम्हारे साथ। अच्छा रोमांटिक सॉन्ग, अरे रोमांटिक सॉन्ग कैसा होता भाई? अच्छा वो अरिजीत सिंह वाले सॉन्ग रोमांटिक होते होंगे ना, सैड सॉन्ग है। अच्छा इसमें चला दू फोन में,
अच्छा इसमें तला दू क्या भाई? भाई कोई गाना याद दिलाओ यार, फिर मैं गा दूंगा। अच्छा तेजाजी वाला, हाँ तेजाजी वाला गाता मेरे को। बताओ भाई कोई सुना दे। अच्छा रोमांटिक सॉन्ग बताओ और कोई है? अच्छा काले जेली बाज दी सगी नैने कुड़ी, गुर गुर देखे मेरे काले रंग तो। क्या खतरनाक खतरनाक नाम लिख रहे थे सॉन्ग का, मैंने सुने ही नहीं है इतने हैं। और खतरनाक खतरनाक भाई, पता नहीं। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये क्यों यूं पिघलने लगा, मैं ठहरी रही जमीन चलने लगी। अच्छा मैं ठहरा रहा, ओके भाई मैं ठहरा रहा। लेके मेरी काली काली कार डाल ली, आऊं तेरे घर के मैं बार डाल ली। लेके मेरी काली काली कार डाल ली, आऊं तेरे घर के मैं बार डाल ली। हैं मोदी की आवाज में बोलो मित्रों, भाई बहनों, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, तुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, सजरा सवेरा तेरा चन वर्गा, कजरा अंधेरा मेरी जलती लो, कतरा मिला जो तेरे दरबार का मोहला। कुन पाया कुन, कुन पाया कुन, कुन पाया कुन, कुन पाया कुन, पाया कुन, कुन पाया कुन, कुन पाया कुन। ओ जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था, जो है तुझ में समाया, जो है मुझ में समाया। देखो ये भाई, ये देखो ये पढ़ाई चल रही है भाई, ये मजे ले रहे गाने का है, है? क्या कर रही? अच्छा मिलने के बहाने गोबर डालने आया करती थी ऐसा। तो चलिए लाड लो, गुड नाइट सभी को, मॉर्निंग में मिलते हैं सुबह 6 बजे। जय हिंद जय भारत। लाड लो सर लिबास का लिबास, काले जे लिबास दिस गिनने कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग। मेरा सबसे फेवरेट गाना है सिद्धू मूसेवाले का। कौन सा है वो? है वही सेम बीट दे दे, वही सेम वो वैसा कुछ है। टाइम होया चेंज बल्ले, वही काली रेंज भी, वही सेम यार देते, वही सेम बीप ने वो वाला। भाई जबरदस्त गाना है सर। एक इंग्लिश सॉन्ग सुना दो। अरे अभी जाके लेंगे इंग्लिश, फिर बताएंगे, फिर सुना देंगे। वीरू सर बहुत जरूरी है ना जी, अभी सिर्फ और सिर्फ जरूरी है SSGD एग्जाम, उसके अलावा कुछ ना। कमरिया